हेलो गेमर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर ब्रांड वीडियो। कैसे हो भाई? सबके सब होपफुली सब अच्छे होंगे। तो गाइस, ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशनल रहने वाला आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन से गेम्स आप खेल सकते हो अपना इंटेल गेमिंग एक्सेस प्ले पास का इवेंट को ग्राइंड करने के लिए और एक्सपी को अर्न करने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको इन डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वीडियो को कम्प्लीट देख लेना। एंड गाइस, इस वीडियो का आइडिया ना मुझे अपने डिस्कॉर्ड सर्वर से आया एक्चुअली, क्योंकि एक अपने सब्सक्राइबर ने अपने डीसी सर्वर में सजेशन में डाला था कि भाई एक वीडियो बनाओ और हमें बताओ कि कौन कौन से गेम खेलने बेस्ट रहेंगे जिससे हम अपनी एक्सपी को जल्दी से जल्दी और इजिली अर्न कर पाए। ठीक है, एंड गाइस, जिसको नहीं पता है भाई इंटेल गेमिंग प्ले पास क्या है, इंटेल एक्सेस क्या है, तो भाई वो प्लीज एक बार नीचे ट्यूटोरियल चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो डाला है, आप स्टेप बाय स्टेप सारे वीडियोस देख सकते हो एंड आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं एंड क्यों कर रहे हैं एंड इसका बेनिफिट क्या है। ठीक है, एंड गाइस, चलो जल्दी से अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बट उससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, मैं आपको लेके चलता हूँ अपने डेस्कटॉप पे एंड यहाँ पे मैं आपको मेरे स्टीम लॉन्चर पे लेके चलता हूँ एंड मैं आपको यहाँ पे कुछ गेम्स दिखाता हूँ जो आपको इजीली मिल जाएंगे, जो बिल्कुल फ्री टू प्ले है स्टीम पे। एंड गाइस, सबसे अच्छी बात ये है कि वो बहुत छोटे छोटे गेम है साइज के अंदर भी। ठीक है, हो सकता है गेम खेलने में आपको इतना मजा ना आए, बट हमें एक्सपी ग्राइंड करने से मतलब है यहाँ पे। तो हम गेम्स अच्छे हैं बुरे हैं उनके बारे में बात नहीं करेंगे, जस्ट मैंने ऐसे ऐसे गेम सिलेक्ट कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं आप लोगों के लिए, जो हर एक पीसी में चल जाएंगे, चाहे आपका हाई एंड पीसी हो चाहे आपका लो एंड पीसी हो। ठीक है, तो कुछ सपोर्टेड गेम मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो ये मेरी स्ट्रीम लाइब्रेरी है एंड मैं आपको यहाँ पे लाइब्रेरी में वो गेम्स दिखा देता हूँ वन बाय वन। ठीक है, तो गाइस, सबसे पहला जो गेम है एयर मैक्स स्ट्राइक। ठीक है, ये गेम बिल्कुल फ्री है स्ट्रीम पे एंड आप इसका साइज देख सकते हो, 792 MB का सिर्फ गेम है भाई। तो आप इस गेम को खेल के अपने एक्सपी ग्राइंड कर सकते हो अपने प्ले पास के लिए। ठीक है, एंड गाइस, उसके बाद अगर हम सेकंड गेम की बात करें तो गाइस आपका सेकंड गेम आ जाता है क्लिकर हीरोज। ठीक है, ये गेम भी बहुत छोटा सा गेम है, सिर्फ 70 MB का गेम है गाइस एंड आप इससे भी अपनी एक्सपी ग्राइंड कर सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करें थर्ड गेम की तो गाइस अपना थर्ड गेम आ जाता है फॉल आउट शेल्टर। ठीक है, ये गेम भी आपको 450 से 500 MB के बीच का ही गेम है एंड गाइस आप इसको भी खेल के अपनी एक्सपी इजिली ग्राइंड कर सकते हो। और उसके बाद मैं आपको और भी छोटे छोटे बहुत ही इजी से गेम दिखाऊंगा जो आप अपने किसी भी लो एंड डिवाइस में चला सकोगे, आई मीन लैपटॉप और पीसी की मैं बात कर रहा हूँ, मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट गेम के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद जो अपना गाइस गेम है वो आ जाता है मक। ये गेम भी बिल्कुल फ्री है भाई स्टीम पे एंड सिर्फ 400 MB का गेम है, इसको भी डाउनलोड करके आप इसको भी खेल के अपना एक्सपी ग्राइंड कर सकते हो डेफिनेटली। उसके बाद गाइस अपना जो नेक्स्ट गेम आ जाता है वो है पबजी एंड आपको पता है पबजी गेम भी बिल्कुल फ्री टू प्ले है इस टाइम स्टीम लॉन्चर पे। हालांकि इसको चलाने के लिए आपको एक अच्छे हाई एंड डिवाइस की जरूरत पड़ने वाली है, अगर आपके पास अच्छा हाई एंड डिवाइस है तो आप भाई पबजी खेल के भी अपनी एक्सपी को ग्राइंड कर सकते हो। तो ये फ्री है इसलिए बता रहा हूँ, बट हाँ ये लो एंड डिवाइस में नहीं चलेगा, मुझे भी पता है और आपको भी पता है। ठीक है, उसके बाद हम अगर नेक्स्ट गेम की बात करें तो भाई आपको सुपर एनिमल रॉयल करके गेम मिल जाएगा। ये गेम यहाँ पे आप देखो इसका साइज 1.32 GB है एंड ये भी फ्री टू प्ले है बिल्कुल स्टीम पे, आप इससे भी अपनी एक्सपी ग्राइंड कर सकते हो। उसके बाद गाइज अपना जो ये लास्ट गेम है भाई ये आ जाता है अनटर्नेट। ठीक है, ये गेम भी आपको 5 GB के आसपास इसका साइज है, 4.57 GB। ठीक है, तो आप इससे भी अपनी एक्सपी इजिली ग्राइंड कर सकते हो और ये गेम भाई बिल्कुल ही मतलब लो स्पेक्स रिक्वायरमेंट है इन गेम्स की, आप इनको किसी भी अपने लो एंड डिवाइस में चला के और अपने जो इंटेल प्ले पास एक्सपी है भाई वो ग्राइंड कर सकते हो। एंड गाइस आप जल्दी से अपने जो लेवल है भाई अचीव कर सकते हो, जो भी आपको जहां तक भी जाना है, सबको 50 तक तो जाना ही होगा, तो इस पे आप अच्छा खासा टाइम स्पेंड आपको करना पड़ेगा यहां तक ग्राइंड करने के लिए, बट हाँ बिल्कुल वर्थ इट है क्योंकि गेम्स काफी अच्छे मिल रहे हैं। आप राइडर्स रिपब्लिक है, ह्यूमन काइंड है और भाई क्राइसिस रिमास्टर्ड करके आपको गेम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो भाई बिल्कुल वर्थ इट रहेगा। एंड गाइज अगर आप इतना ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे और इतना मतलब इतना वैसे भी थोड़ा मुश्किल ही है यहाँ पे इतना ज्यादा ग्राइंड कर पाना, उसके लिए भाई आप कुछ टेक्निक्स यूज कर सकते हो जैसे ऑटो क्लिकर वगैरह एंड उसके ऊपर भी मैंने बिल्कुल सेपरेटेड वीडियो बना के डाला हुआ है चैनल पे, तो सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो आपको हेल्प करेंगी इंटेल गेमिंग एक्सेस इवेंट में, तो भाई वो वीडियो सारी नीचे देख लेना डिस्क्रिप्शन में। एंड गाइज मैं जाने से पहले आपको एक और चीज़ बता के जाऊंगा, आप अगर यहाँ पे व्यू सपोर्टेड गेम्स पे यहाँ पे भाई क्लिक करोगे ना और आपके पास अच्छा खासा पीसी है तो आप यहाँ पे ना बिल्कुल यहाँ पे अपना गेम चेकआउट कर सकते हो, आपका जो गेम है वो आपके इंटेल गेमिंग एक्सेस इवेंट को सपोर्ट भी करता है नहीं करता। ठीक है, तो खेलने से पहले यहाँ पे आप चेक जरूर कर लेना,
जैसे भाई मैं खुद वेलोरेंट गेम बहुत ज्यादा खेलता हूँ, तो मैं अगर यहाँ पे वेलोरेंट चेक करूंगा तो यहाँ पे देखो भाई वेलोरेंट के आगे यहाँ पे ग्रीन मार्क है, तो मतलब ये गेम सपोर्टेड, अगर मैं इसको खेलूंगा तो मेरा जो प्ले टाइम है वो काउंट होगा एंड मेरी एक्सपी अर्न होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना मनपसंद कोई भी गेम चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे भाई अगर एक एक नाम देखोगे गेम्स का तो भाई बहुत लंबी लिस्ट है, जस्ट जो गेम आपके पास अवेलेबल है, जो आप खेलना चाहते हो, जो आप खेलते हो, उनको यहाँ पे सर्च कर लेना एंड उसके बाद अपनी एक्सपी ग्राइंड कर लेना तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो गाइज यही बताना था इस वीडियो में, होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।